अस्सलामुअलैकुम पाक बाइकर्स, मैं हूं उस्मान नियाजी और आप देख रहे हैं टॉक पाक बाइक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, होंडा एटलस की तरफ से 2024 मॉडल CD70 ब्लू कलर में लॉन्च कर दिया गया। इस टाइम आप जो बाइक देख रहे हैं, ये होंडा CD70 2024 मॉडल है और अपने न्यू कलर में आया, जो कि ब्लू कलर है। आप इस सबसे पहले इस बाइक का कम्प्लीट वॉक अराउंड देख लें कि ये बाइक देखने में किस तरह का है। ब्लू कलर में इन्होंने ये बाइक दी है और इसका जो कलर है, शायद वीडियो में आपको मैं सही तरह दिखा पाऊँ, ये जिस तरह प्राइडर का कलर है सेम उसी तरह इस बाइक का भी जो है हमें कलर देखने को मिल जाता है। और इसमें चेंजेस जो है मेजर वो क्या क्या हैं, आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद कंप्लीट रिव्यू भी करेंगे इस बाइक का कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है और अभी इस पर कोई ऑन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले इसका एक कम्प्लीट वॉक अराउंड आपको दिखा देते हैं कि यह बाइक देखने में किस तरह की है, CD70, और इसमें मेजर चेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप एक कंप्लीट इसको देख लें कि ये ब्लू कलर में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह की ये बाइक है। इसमें रेड कलर है, ब्लैक कलर है और ब्लू है। अभी जो डिमांडिंग कलर है वो ब्लू है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हम ग्राफिक्स की ही, कि ग्राफिक्स के अंदर मेजर चेंज जो आया है। और कुछ दोस्त सवाल पूछे थे कि उस्मान भाई, ये आखिर कैश डिपॉजिट 70 हटा के इन्होंने 60 ईयर्स ऑफ नेशन राइड, इधर जो आया है हमें मोनोग्राम में हम देख सकते हैं, तो जो 60 ईयर्स ऑफ नेशन राइड है, ये बेसिकली इनके होंडा एटलस को पाकिस्तान में ओवरऑल 60 ईयर्स हो गए हैं, तो उसकी खुशी में इन्होंने ब्लू कलर CD70 में लॉन्च की है और इसके अंदर उन्होंने हमें ये बैजिंग दिया 60 ईयर्स ऑफ नेशन राइड। ठीक है, सबसे पहले आप फ्यूल टैंक देख लें। मेजर चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर इसके ग्राफिक्स के आ जाते हैं, कलर का आ जाता है। ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर रेड कलर की बाइक ही मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आप उसके साथ कंपेयर करें इसको, रेड अच्छा है या ब्लू अच्छा है। अच्छा, कलर जो है ऑलमोस्ट प्राइडर की तरह ही है, इसका कोई खास चेंज नहीं है। ब्लू जो है वो प्राइडर का ही आ सकता है, वही सेम पेंट उन्होंने यहाँ यूज़ किया। कलर की अगर हम बात करें तो हमें इसके जो है टैंक साइड कवर ब्लैक में मिल जाता है, और सॉरी ब्लू में मिल जाता है, और यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग थोड़ी नीचे से मिल जाती है हमें। उसके अलावा हमें जो है इसके फ्रंट, जिसको हम कान कहते हैं, वो भी ब्लू में मिल जाते हैं, और बैक शॉक्स जो हैं वो भी हमें ब्लू में मिल जाती हैं, और उसके बाद सीट के साथ जिसका कवर होता है ये भी हमें ब्लू में मिल जाता है। कंपनी ने इस दफ़ा मेजर चेंजेस जो हैं वो इसमें यही किए हैं, ग्राफिक्स किए हैं, इसके अलावा नहीं किए। कुछ दोस्त पूछ रहे होंगे यार कि ये हर साल की तरह ये क्या करते हैं। जी हाँ, हर साल की तरह क्वालिटी जो है वो हम नहीं कह सकते कि इस दफ़ा लो हुई है। ऑलमोस्ट जो 19, 20, 21, 22, 23 मॉडल हैं उनमें जो है क्वालिटी इन्होंने मेंटेन रखी है। मेजर जो डिफरेंस है वो इनके जिस तरह के कोई चीज़ें हैं जो इनकी पहले से बड़ी हल्की हो गई हैं, जिस तरह की इसके अंदर हम ये कह सकते हैं इनके फोर्ट्रेस हो गए। फोर्ट्रेस के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो किक वगैरह है इसकी आप क्वालिटी यहाँ पर देखें, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हल्की हो गई काफ़ी ज़्यादा पहले से ना, जिस तरह पहले CD70 होता था। और ओवरऑल चेन कवर वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड वगैरह आ जाता है। तो नए बाइक है, सबसे पहले इसकी मीटर की बात कर लेते हैं। तो मीटर में हमें सिंपल मीटर जो 4-5 सालों से सेम ही आ रहा है। पहले होंडा वाले ये करते थे कि मीटर में चेंजेस करते थे, मगर अब यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं किए इन्होंने। तो मीटर आप देख सकते हैं इसका, अब कोई फ्यूल गेज वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेफ्ट असम्बली की बात करेंगे तो लाइट्स, हाई लो, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न, और राइट असम्बली जो है वो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। फ्रंट पर आ जाएँ तो जो इसका हेडलाइट हमें मिल जाती है, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में मिल जाती है। इसके अंदर हैलोजन बल्ब है और फ्लेक्सिबल इंडिकेटर साथ, जो 15 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हम देख रहे हैं, और सेम लाइट, ऑलमोस्ट सेम मीटर, कोई डिफरेंस नहीं है। ये पत्नी होंडा एटलस वाले क्या कर रहे हैं। फ्रंट मडगार्ड की बात करेंगे तो ये इसका जो है क्रोम में मिल जाता है। पंप शॉक्स हैं फ्रंट पर भी और बैक पर भी, और कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, सिंपल सी ड्रम ब्रेक है, और ये आप देख सकते हैं करीब से 17 इंच का इसके अंदर स्पोक्स आती हैं। और इस बाइक में डायमंड का टायर है। कोई बाइक होते हैं उनमें सर्विस का होता है, सिटी सिटी वेरी करते हैं, कभी कोई बाइक कराची से आ रही है, कोई लाहौर से आ रही है, आप यहाँ पर डायमंड का टायर मिल जाता है। और ये बाइक देखें आप, ये CD70 है, इसमें पैंथर का बाइक है, ये रेड कलर है, ये भी आप देख सकते हैं ये रेड कलर में है। इसका भी रिव्यू मैं कंप्लीट अपलोड करूँगा, मेजर डिफरेंस क्या है, चीज़ें क्या हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके साइड पार्ट्स की। तो ये आप देखते हैं हमें बॉडी फिनिश कलर में मिलते हैं, ग्रे कलर में मिलते हैं, शाइनिंग में मिलते हैं, चेन कवर मिल जाता है, फोर्ट्रेस हैं, और इसके अलावा 4 गियर ट्रांसमिशन है, फ्रंट गियर ट्रांसमिशन है इसकी, चारों गियर इसके फॉरवर्ड लगते हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक और चीज़ चेंज की है यहाँ पे, ये क्रोम में आ गया है इसका जो फ्यूल गेज वगैरह है, ये सारी क्रोम में आ गई है। और ऐसा अगर आप फिनिशिंग देखेंगे बाइक की तो फिनिशिंग खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि होंडा की ये फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो बेस्ट फिनिशिंग है पाकिस्तान में वो यामा की है, यामा के बाद वो होंडा की है। थोड़ी सी ये देख रहे हैं यहाँ पर अब इन्होंने चीज़ों को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। ये देखें आप जिस तरह ना ये टच वगैरह, ये वेल्डिंग वगैरह ना उस तरह खूबसूरत इनकी नहीं रहेगी जो फिनिशिंग इनकी पहले आती थी। उसके बाद आप जैन देखें इस बाइक का,
जैन जो है ये भी हमें नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी अजीब लग रही है मुझे। ये देखें ना, यहाँ पे भी हमें ये जैन वाजे हो रहा है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वो अपलोड करेंगे कि क्या मसले हैं और क्या मसले मसाइल इसके अलावा हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बैग पे आ जाएँ तो बैग पे हमें यहाँ पे प्लास्टिक की प्लेट मिल जाती है, जो पहले स्टील में थी उसको चेंज कर रही है। सीट जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्ट है, ऐसा सच वो नहीं है कि आराम दे, काफ़ी ज़्यादा पम्प शॉक्स बैक पर मिल जाती हैं। साइलेंसर की आवाज़ वही सेम ही है और वही सेम चीज़ है। बैक पे भी हमें ड्रम ब्रेक मिल जाती है पम्प शॉक्स के साथ। और ओवरऑल ये बाइक का रिव्यू है। मज़ीद डिटेल्स के लिए भी इसकी एक और वीडियोज़ बनाएंगे हम, फ्यूल एवरेज वगैरह क्या होगी इसकी। ऑलमोस्ट फ्यूल एवरेज सी डी की 50 प्लस ही है, 50 to 55 वेरी करती है। इंजन इसका 70 cc का है, 72 cc का डिस्प्लेसमेंट है इसकी। फ्रंट पे हमें साथ में हॉर्न भी मिल जाता है। और जो इसकी स्टैम प्राइस है वो 158,000 है। और डी जी खान में जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमें यहाँ पे ऑन पे मिल रही है, ब्लू कलर मिल रहा है 165 का, मतलब 7,000 इस पे ऑन। और ब्लू के साथ साथ आपको रेड कलर दिखा देते हैं, इसकी एक अलग सी वीडियो भी बनाएंगे, मगर आप कंपेयर करें, यहाँ पर ये रेड है। जिन दोस्तों ने रेड परचेज़ करना है वो रेड परचेज़ करें। और यहाँ पर एक और वीडियो भी बनेगी इस चीज़ के ऊपर कि आखिर हमें ब्लू कलर परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ब्लू की ये है कि डिमांड तो है, मगर ऐसा अभी जो है ना, मेरी होंडा सेंटर से बात हुई है तो सप्लाई उस तरह नहीं है इसकी जो रेड की है। तो मेरा मशवरा ये है कि फ़िलहाल अभी आप ज़रा ब्लू को रनिंग में आने दें, उसके बाद परचेज़ करें, नहीं तो रेड जो है उसकी तो हमेशा से डिमांड है। और ब्लैक में भी, अच्छा ब्लैक में क्या चेंजेस है, कोई दोस्त ब्लैक देख रहे, तो ब्लैक में ना आपको ये ओवरऑल ब्लैक में मिल जाएगा, और साथ में जो आपको मड गार्ड्स हैं वो भी ब्लैक में मिल जाएंगे। वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उससे ज़रा बाइक ज़रा भरी भरी लगती है और बड़ी लगती है। तो ये है इसका एक कंप्लीट रिव्यू। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हम ये बाइक परचेज़ करेंगे और इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह नोट करेंगे और ओवरऑल इसको चेक करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।